हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी जहाँ तक आप देखे जाएंगे बहुत इजी चैप्टर है, आपको सिर्फ 4 स्टेप याद रखने हैं और वो 4 स्टेप के बेस पे आपका पूरा चैप्टर जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको याद रखना क्या है, तो हमारे जो मेन 4 स्टेप है, अब वो 4 स्टेप मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ किस तरीके से हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का स्टेप 1 रहता है म्यूनसिपल रेंट और फ्रंट रेंट, दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू होता है वो हम लोग को स्टेप 1 में डालना है। स्टेप 2 जो रहता है वो हम लोग रेंट रिसीव निकालते हैं, और वो कैसे निकालते हैं, तो हमारे घर का जो एनुअल कीमत है यानी एनुअल वैल्यू है, उसमें से जितने टाइम हमारा घर अनरियलाइज रेंट पे रहा, मतलब उसका रेंट नहीं मिल रहा हो, तो वो माइनस कर देंगे। फिर स्टेप 3 हमारा क्या रहता है, तो स्टेप 1 और स्टेप 2 में से जो हाईएस्ट रहता है वो हमारा स्टेप 3 बन जाता है, और स्टेप 4 क्या रहता है, तो स्टेप 3 में से हमारा लॉस ऑफ रेंट जो है वो माइनस करते हैं। तो बस ये 4 सिंपल स्टेप से हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलता है। अब दोस्तों, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको 2 रूल्स याद रखने हैं। अगर कोई हाउस जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब जो खुद के लिए यूज़ कर रहे, तो उसका हम लोग ये स्टेप्स कैलकुलेट नहीं करते। याद रखना, सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो आपका ये कैलकुलेशन नहीं आएगा। हाँ, अगर वहाँ पे उन्होंने लोन वगैरह लिया है तो उसका इंटरेस्ट ज़रूर आएगा, ठीक है। फिर अगर कोई ये हाउस में से कोई हाउस हम लोग ने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, तो वो भी हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। यानी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन किसका करना है, तो उसी घर का हम लोग का कैलकुलेशन करना है जिसको हम रेंट पे दिए, इसकी वजह से तो यहाँ पे आया ना रेंट, है ना। तो आपने जिस घर को रेंट पे दिया हुआ है, तो उसी को आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे बेसिक क्वेश्चन लिया हुआ है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ बिल्डिंग ओनेड बाय मिस्टर एक्स। यहाँ पे हम लोग को 3 टाइप की बिल्डिंग दी हुई है, ए बी सी करके, और उन्होंने बताया कि ए जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बी जो है वो लेट आउट है, लेट आउट का मतलब होता है रेंट पे देना, और सी जो है वो उन्होंने खुद के बिजनेस के लिए यूज़ किया है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर अपने खुद के लिए पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमको ये कैलकुलेशन नहीं करना, तो हम ये कैलकुलेशन ए वाले के लिए तो नहीं करेंगे। बी वाले के लिए करने जाएंगे, तो बी वाले में हम लोग को सबसे पहले क्या दिया हुआ है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन। यहाँ पर फेयर रेंट नहीं दिया है, तो हम लोग को म्यूनसिपल वैल्यूएशन से ही काम चलाना पड़ेगा। हम लोग को म्यूनसिपल रेंट कितना था, 45,000, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है हायर वैल्यू फ्रॉम बोथ टू, तो इन दोनों में से हमारा 45,000 ही आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 45,000, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है डेट ऑफ कंप्लीटेशन जो है वो 31 मार्च 2017 का है। लोन लिया हुआ है 2 लाख का, और उसका इंटरेस्ट रेट है 12%। रिपेयरिंग एक्सपेंस है 12,500। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है 2,200। नीचे में हम लोग को बोला है द म्यूनसिपल टैक्स वॉज पेड बाय द ओनर। हाउस प्रॉपर्टी नंबर बी विच कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल यूनिट, 2 यूनिट बन रहे हैं जिसमें 2 लोग टीनेंट है, मतलब भाड़ोत्री है, तो उन लोग ने उनका बताया कि 2100 पर मंथ उनका रेंट है। 1 टीनेंट हैड वैक्टेड द हाउस फ्रॉम 31 जनवरी 2019 विदाउट पेइंग 6th मंथ रेंट। यानी एक टीनेंट, एक भाड़ोत्री ने वहाँ पे 6 महीने का रेंट दिया नहीं है, और वो उस घर को छोड़ के चला गया 31 जैन को, और वो घर जो है वैकेंट नहीं रहा अप टू 31 मार्च 2019, ठीक है। हम लोग को इस इंफॉर्मेशन से हाउस प्रॉपर्टी का बनाना है मिस्टर एक्स। तो हम लोग ने सबसे पहले तो म्यूनसिपल रेंट लिख दिया। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए एनुअल वैल्यू रेंट रिसीव की, तो हम लोग को एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2100 पर मंथ बोला है ना, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2100, कितने वैकेंट थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2100 इंटू 2 इंटू 12 कर दिया, तो हम लोग का बैलेंस कितना है, 504,000। फिर उसमें से अनरियलाइज रेंट, जैसे कि उन्होंने बोला कि 6 महीने का पैसा एक भाड़ोत्री ने नहीं दिया, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2100 मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पे 6 क्यों लिया, क्योंकि एक ही ने नहीं दिया, दूसरे ने तो उसका पैसा दे दिया है, तो 2100 इंटू 6 कर दिया, यानी हम लोग का अनरियलाइज रेंट कितना है, 12,600। अब उसमें माइनस कर देंगे 504,000 माइनस 12,600, तो हम लोग का बैलेंस जो है वो आया 37,800।
ये हो गया हमारा स्टेप टू। अब स्टेप थ्री क्या था? तो स्टेप वन और स्टेप टू में से जो हायर वैल्यू होगी वो हम लोग को लेनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं वो लिख दे रही हूँ, स्टेप वन था हमारा 45,000, स्टेप टू था हमारा 37,800। दोनों में से हायर कौन सा है दोस्तों? 45,000। तो हम हायर वैल्यू को ले लेंगे, यानी 45,000 को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब स्टेप फोर हम लोग का करना है। स्टेप फोर के लिए हम लोग को बोला स्टेप थ्री में से लॉस ऑफ रेंट को माइनस कर दो। तो स्टेप थ्री हम लोग का था 45,000 माइनस लॉस ऑफ रेंट हम लोग का कितना है? तो दो महीने के लिए हमारा घर जो है भाड़े पे नहीं था, यानी 2100 मल्टीप्लाई बाई टू कर दिया तो हमारा कितना आ गया? 4200। 45,000 में से 4200 हम माइनस कर दिए तो हमारा बैलेंस कितना आया? 408,000। तो हम लोग का अमाउंट कितना था लोकल टैक्स का निकालना है? तो 45,000 हमारा रेंट का वैल्यू था इंटू 40% कर दिया तो 18,000 हमारा क्या हो जाएगा? लोकल टैक्स। अब इसको माइनस कर देंगे, 408,000 माइनस 18,000 तो हमारा बैलेंस कितना है दोस्तों? 22,800। ये हम लोग का क्या हो गया? तो नेट एनुअल वैल्यू मिल गई। अब इसमें से दो चीज़ और माइनस करनी है, वो दो चीज़ क्या है? एक हमारा रहेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग का कौन से रेट पे आता है? 30%, ये आपको याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन कर देंगे, हमारा 22,800 आंसर आया था उसका 30% कर देंगे, यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो गया? 6,840 जो वैल्यू आई उसी का मैंने निकाल के रख दिया है। फिर उसमें से हम लोग को एक और चीज़ यहाँ माइनस करनी, वो रहेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हम लोग का लोन का बैलेंस कितना था दोस्तों? 2 लाख, और उसका इंटरेस्ट रेट कितना दिया था? 12%। तो 12% कर दिया, यानी हम लोग का आया 24,000। अब सबको माइनस कर दो, 22,800 माइनस 6,840 माइनस 24,000, तो माइनस में आया 8,040, यानी हम लोग को इस पे लॉस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, सॉरी लॉस फ्रॉम लेट हाउस, लेट आउट हाउस, ठीक है। तो हम लोग का ये कितना आया? 8,040, ठीक है। अब दूसरा दो जो हाउस बचा है वो हम लोग का था सेल्फ ऑक्यूपाइड और यूज़ फॉर ओन बिजनेस। सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए मैंने बोला ऊपर की कोई चीज़ें नहीं आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग कर देंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड और उसका डायरेक्टली हम फाइनल पॉइंट कर देंगे, यानी लोन का इंटरेस्ट रेट निकाल देंगे। अब दोस्तों लोन कितना था सेल्फ ऑक्यूपाइड का? 3 लाख, और उसका इंटरेस्ट रेट कितना दिया था? 12%, यानी उसके ऊपर हम लोग को नुकसान कितना हो रहा है? 36,000 का। तो टोटल मिला के टोटल लॉस इज इक्वल टू पहला वाला हमारा कितना आया? 8,040, दूसरा वाला हमारा कितना आया? 36,000। मिला के हम लोग को लॉस कितना झेलना पड़ रहा है? दोनों को मिला के हमारा लॉस आया 44,040। और जैसे कि मैंने आपको बताया यूज़ फॉर ओन बिजनेस का हम लोग को करना है नहीं, यानी हम लोग का जो आंसर है वो फाइनल आंसर यही रहेगा टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ देयरफॉर टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू लॉस 44,040। ये आपको फाइनल में आंसर लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।